पहले तो देखो नोट सब लोग ओपन करके ही रखो। सबसे पहले तो इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हम लोगों ने सीखी थी, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। यू शुड नो ऑल द टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज एंड सिस्टम्स दैट अकर, करेक्ट। ये आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और रियल, करेक्ट। यस सर। एंड रियल बाउंड्री आर फर्दर डिस्टिंग्विश्ड इन, वी डिड टू डिस्टिंग, क्या we did two classification in real boundary also. First was in real boundary it can be a real boundary mein kya discussion kiya tha ki real boundary can be a flexible boundary, correct, or a रिजिड बाउंड्री। डिफरेंस क्या था फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज में? वर्क एक्सचेंज, एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क इन रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज में होगा, करेक्ट। और यस सर। और दूसरा फिर इसी में एक और क्लासिफिकेशन किया था रिगार्डिंग डायाथर्मिक और डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। उसमें भी डायाथर्मिक बाउंड्रीज में एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ हीट, एडियाबैटिक बाउंड्रीज में नहीं हो सकती है, करेक्ट। यस सर। And based on type of boundary, we define three types of system. क्या थे तीन टाइप के सिस्टम? Open, sir, open, closed, isolated. Closed, isolated. Open में energy और matter दोनों exchange होगा, closed में केवल energy, no matter, isolated में नथिंग, करेक्ट। ये सबसे पहली इनिशियल डेफिनेशंस थी। इसके बाद जो एक चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सिस्टम आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग सिस्टम के अंदर का जो सब्सटेंस होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नोट करते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ओके। और उन सब चीजों को हम बोलते हैं सिस्टम वेरिएबल्स। सिस्टम वेरिएबल्स के दो क्लासिफिकेशन किए थे इंपॉर्टेंट। पहला इंटेंसिव वेरिएबल्स, दूसरा एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से थे? जो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स टू द पावर जीरो, मींस इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोल्स और अमाउंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आर नॉट एडिटिव। तुम कोई भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं करोगे अगर सिस्टम को ऐड कर रहे हो, ठीक है? यस सर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ मोल, मींस दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट and are additive, correct। इसमें जो important चीज मैंने
प्रॉब्लम से भी डिनोट की थी कि ये मोल्स की पावर शुड डेफिनेटली बी वन और जीरो, नहीं जीरो रही एक्सटेंसिव के लिए, एक्सटेंसिव के लिए केवल वन। सर मैं क्लासिफिकेशन के लिए बोल रहा था। ठीक है, एक्सटेंसिव के लिए केवल वन। अब चाहो तो इनके नीचे यू कैन नोट द कॉमन प्रॉपर्टीज विच आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो इंटेंसिव में प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, करेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आ जाएगी, सी लिख देता हूं मैं, सी या एस, करेक्ट, एस मत लिखो, डेंसिटी, डेंसिटी आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, विस्कोसिटी आ जाएगी, करेक्ट, ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। बुकलेट में एक प्रॉब्लम मेंशन है, वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे इसको, लेकिन मान लो टेस्ट में कोई तुमसे पूछ ले पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ईएमएफ ऑफ बैटरी, करेक्ट, दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव में आ जाएगा वॉल्यूम, मोल्स, मास, और जो थर्मो वाली प्रॉपर्टीज की है सारी, वर्क, हीट, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सब एक्सटेंसिव है, सब ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। ओके, यस सर, यस सर। तो एक तो ये डिस्टिंक्शन हो गया। फिर हम लोगों ने किया था, तो अब तो शायद अब सबको क्लियर होगा कि अगर हम सिस्टम वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? चेंज इन सिस्टम वेरिएबल्स विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यस सर, यस सर। और इसमें हमने दो क्लासिफिकेशंस किए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये आई वाज सेइंग सबको अब क्लियर होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, फास्ट प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस, करेक्ट, एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट, इनमें से कोई भी वर्ड यूज है प्रॉब्लम में तुम तुरंत समझ जाओगे कि दिस इज अ इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप, करेक्ट, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज, एक्सटर्नल कंडीशंस कंटिन्यूअसली चेंज, सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज, करेक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल, करेक्ट, यस सर। फिर हम लोगों ने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की बात की, जिसको हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया, स्टेट ऑफ पाथ फंक्शंस। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ स्टेट पे, करेक्ट, ओनली ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पाथ ऑफ प्रोसेस पे भी, करेक्ट,
यस सर। हम लोगों ने थर्मो में 6 वेरिएबल्स की है, वर्क और हीट आर, पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी आर, स्टेट फंक्शन, करेक्ट। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर टेम्परेचर स्टेट फंक्शन रहेगा फिर पाथ फंक्शन? देखो टेम्परेचर पहली बात तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है ही, लेकिन तब भी तुम डिफाइन करना चाह रहे हो तो तुमने एक बॉडी को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक हीट किया, ठीक है? हाँ सर। इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 30 डिग्री सर। स्लोली किया गया तो कितना हुआ टेम्परेचर चेंज? सेम ही रहेगा, चाहे स्लो करो चाहे फास्ट करो, चाहे आज करो चाहे कल करो, चाहे मेटल के कंटेनर में करो चाहे ब्रास के कंटेनर में करो या आयरन के कंटेनर में करो, क्या चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो, टेम्परेचर चेंज कितना रहेगा? 30। तो भाई बताओ, तुम ही बताओ कैसा फंक्शन हुआ ये? स्टेट फंक्शन। तो जो सिस्टम वेरिएबल्स है वो तो ऑब्वियसली सब स्टेट फंक्शन है, अगर तुम्हें लिखना है PVT ये सब तो स्टेट फंक्शन ही है, क्योंकि ये तो खुद ही स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। awesome. ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे आए, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली डेफिनेशन ली वर्क की। इसमें साइन कन्वेंशन में बेटा गलतियां मत करना, ठीक है? वर्क हम लोग हमेशा कब पॉजिटिव लेते हैं? कंप्रेशन में या डन बाय द सराउंड, ठीक है, या कंप्रेशन। इसको मैं बार बार स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, बुकलेट में भी एक दो आंसर गलत दिए और वो तुम लोगों ने डाउट में पूछा भी नहीं है, तुम लोग भी वही गलती कर गए होगे। मैं भी एक एग्जांपल से समझाता हूं एक्सपेंशन, ठीक है? और वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस पीवीडीवी। रिवर्सिबल कोई प्रोसेस तुमसे दिया जाएगा माइनस इंटीग्रल पीडीवी, इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, करेक्ट। और इन दोनों फॉर्मूले से जो तुमने वर्क निकाला है वो कौन सा वर्क है? वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? हाँ बोलो। तो सराउंडिंग क्यों लेते हैं वो बता सकते हो? नहीं वो तो यार एक कन्वेंशन है, हम तो हमने पॉजिटिव जो चीज डिफाइन की इस वर्क के फॉर्मूले में, तुमने भाई वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। और फोर्स हमने कौन सा लिया था? सराउंडिंग वाला लिया था ना, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया। हाँ सर। तो हम वर्क डन बाय सराउंडिंग निकाल रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ तो ये तो अब हमारा एक कन्वेंशन है, हमें केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय सराउंडिंग निकालना है, इसलिए हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो फिर वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होगा ना, उसका इक्विलिब्रियम पे रहेगा अपना पिस्टन का सर। सुनो, वर्क डन बाय सिस्टम विल ऑलवेज बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग, ठीक है? हाँ सर। तो इसीलिए अगर किसी प्रॉब्लम में यही मैं ट्रिक की मतलब ये ट्रिक कर सकते हैं लोग, जैसे एक सबने गलती की होगी, बुकलेट है सबके पास अभी? हाँ सर। बुकलेट का एफडीओ का थर्ड प्रॉब्लम देखो, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ना, क्या था? माइनस एनआरटी एलएन वीएफ बाय वीआई, माइनस एनआरटी एलएन वीएफ बाय वीआई, लॉग करेंगे तो 2.303 और आ गया,
तो कौन सा आंसर होना चाहिए इस पे? सी सी वाला, क्योंकि माइनस साइन लॉग के अंदर ले गए तो वी वन बाई वी टू हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। अब प्रॉब्लम को ध्यान से पूरा पढ़ो, फिर से पढ़ो प्रॉब्लम। बायोगैस पूछा है, बाय सिस्टम पूछा है, और हम लोग का फॉर्मूला है बाय सराउंडिंग वाला, तो हमारा जो आंसर सी आया दैट इज वर्क डन बाय सराउंडिंग, हमें उसका नेगेटिव आंसर देना है। आंसर इसका सही ए है, बुकलेट में देखो सी दिया है ना, शायद सी दिया है। हाँ गलत है, यही मैं कह रहा था, गलती मतलब मिस्टेक है, करेक्ट? हम लोग को हमेशा जो सारे फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं? सराउंडिंग, सराउंडिंग के वर्क के। तो प्रॉब्लम में बहुत ध्यान रखना कि तुमसे वर्क सराउंडिंग का पूछ रहे हैं कि सिस्टम का पूछ रहे हैं, ठीक है? यस सर। अब इसमें तो क्लियरली बोल दिया वर्क डन बाय गैस, तो तुम्हें समझ में आ गया किसका पूछ रहे हैं? सिस्टम को। अगर मान लो इस प्रॉब्लम में केवल आखिरी में ये लिखा होता वर्क डन बस इज कितना, तब सराउंडिंग। हाँ, जब कुछ टेंशन ना करें तो बाय डिफॉल्ट तुम सराउंडिंग का ही लोगे। क्लियर है ये? हाँ सर। ये सब में एक नोट बना लेना, ये सिली मिस्टेक का एक बड़ा रीजन है। आई थिंक फोर्थ का भी आंसर इसीलिए गलत दिया होगा बुकलेट पे। फोर्थ में भी क्या पूछा है? आइडियल गैस ही पूछा है, वर्क डन बाय सिस्टम पूछा है, ठीक है? यस सर। फिर अगला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम लोगों ने कौन सा किया था? हीट, ठीक है? हीट के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हीट का फॉर्मूला क्या रखा है? इंटीग्रल NCdT, ठीक है? हाँ सर। क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी यूनिक होती है, लेकिन गैसेस के लिए ये हो जाएगा इंटीग्रल NC process dT, ठीक है? क्योंकि गैसेस के लिए हर अलग प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, और यहां भी साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव, वेन हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, नेगेटिव वेन हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है? यस सर। हीट के लिए बस ये याद रखना है, किसी भी सिचुएशन में हीट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ओके? यस सर। फिर इसके बाद तीसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो हम लोगों ने किया था वो है इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। पहले तो इंटरनल एनर्जी है क्या, वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना अपने माइंड में? सर यस। बोलो सर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में थोड़ा डिफरेंस वापस बता सकते हो? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। भाई देखो, एक सिस्टम जो है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स है। हाँ सर। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या है?
सरफेस ऑफ बाउंड्री बाउंड्री ठीक है। अब तुम्हें मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये एक डिब्बा है, ठीक है, मेटल का डिब्बा है, इसके अंदर कुछ गैस है जिसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर है 50 डिग्री। क्या होगा इस सिचुएशन में? हीट फ्लो होगी। कहां से कहां होगी? बाहर से अंदर। 50 से बाहर से अंदर। क्यों होगी? इक्विलिब्रियम में लाने। क्यों होगी भाई? अंदर वाली गैस को क्या मालूम बाहर कितना टेम्परेचर है, उसको बाहर से क्या मतलब? इंटरनल एनर्जी। नहीं, देखो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, करेक्ट? यस। इसके भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे बाहर जो भी एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? हाँ सर। कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होंगे, किसकी काइनेटिक ठीक है? जस्ट फॉर सेक ऑफ अजम्पशन, जस्ट कुछ नंबर दे देने के लिए मैं कहता हूं बाहर वाले की एनर्जी 20 है, अंदर वाले की एनर्जी 10 है, ठीक है? ओके यस सर। अब ये मॉलिक्यूल मान लो गया और इस वॉल से कोलाइड किया, क्या होगा? जैसे ही कोलाइड किया उस इंस्टेंट पे क्या होगा ये बताओ? मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी वॉल वॉल को दे दी, 10 वॉल के पास आ गई। हाँ सर। और ये मॉलिक्यूल भी उसी इंस्टेंट पे कोलाइड हुआ, अब क्या हुआ? वो भी देखा 20 करेक्ट। वॉल के पास कितनी एनर्जी आ गई? 30। कैसी वॉल ये है? मेटल। मेटल की वॉल कैसी है? कैटेगरी लगाओ ना, ये बनाई है जो रिजिड तो हो गई, अपनी हीट फ्लो की बात चल रही है ना। डायाथर्मिक। डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होती है? हीट फ्लो बने देगी। डायाथर्मिक बाउंड्री होती है इम्पार्शियल, वो कहता है मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा। इसको कितनी मिली? 30 जूल। अच्छा, मॉलिक्यूल यहां से कोलाइड करने के बाद तुरंत वापस भी जाएंगे ना? हाँ सर। वापस जाएंगे तो वॉल को एनर्जी वापस करनी पड़ेगी, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। डायाथर्मिक वॉल होती है इम्पार्शियल, उसको 30 मिली, वो दोनों को 15-15 दे देगा, ले जाओ भाई बराबर से। इससे हुआ क्या? अंदर वाले की हीट 5 से अंदर वाले की एनर्जी बढ़ा दी ना तुमने। हाँ सर। दी तो 10 थी, मिल गया उसको 15। अब ये थोड़ी देर चलता रहेगा तो अंदर वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, समझ लो। हाँ सर। अब बाहर एनर्जी कम होती जा रही है, 20 दे के 15 मिल रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी को तो हीट फ्लो कहते हैं। हाँ सर। और अगर ये एडियाबैटिक बाउंड्री होती ना, तो एडियाबैटिक बाउंड्री क्या कहती है भाई? कि भाई जिसने जितना दिया वो उतना उतना लेके जाओ, तो वो इसको 10 वापस करती और इसको 20 वापस करती, अगर एडियाबैटिक बाउंड्री होती। अब बात समझ में आई? यस सर। तो व्हाट आई वाज सेइंग, इंटरनल एनर्जी क्या है? ये जो अंदर मॉलिक्यूल्स है इनके पास ये काइनेटिक एनर्जी है 10। हाँ सर। इन मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान इन सब का टोटल इंटरनल एनर्जी है। एंथैल्पी क्या है? ये 10 वाली काइनेटिक एनर्जी, ये पी वाली पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो थोड़ी एनर्जी हर समय वॉल के पास भी तो रहेगी। हाँ सर। वो हमने इंटरनल एनर्जी में कहाँ काउंट किया? हर इंस्टेंट पे कुछ एनर्जी तो वॉल के पास भी है।
हाँ सर वो भी काउंट जब कर लेते हैं तो एंथैल्पी बन जाता है, समझ गए? हाँ सर, तो फिर मतलब इंटरनल एनर्जी तो बदलती रहेगी ना इस वाले में, मतलब 15 जैसे बड़ी इस बार ही। अगर बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर अलग है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर अंदर का बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी। हाँ सर करेक्ट, ठीक है। यस सर, आप प्लीज एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ लास्ट पेज आ रहा है, तो किसी ने पूछ लिया था ना इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी। हाँ तो इंटरनल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फॉर एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? पहला मोल्स पे, ठीक है। दूसरा उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी पे। तुम पूछोगे आइडेंटिटी पे क्यों? भाई आइडेंटिटी से ही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना डिसाइड। यस सर। और उस सिस्टम के प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। बट फॉर आइडियल गैसेस प्रेशर वाली डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। आइडियल गैसेस में इट डिपेंड्स ओनली ऑन मोल्स आइडेंटिटी एंड टेम्परेचर। ओके, क्योंकि प्रेशर से होता क्या है, प्रेशर से ओनली इंटरमोलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इफेक्ट होती है, और आइडियल गैस में तो हम उसको जीरो मान के चलते हैं, करेक्ट? हाँ सर। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी? जब उसका टेम्परेचर चेंज हो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, करेक्ट? यस सर। ओके, और इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन सब के बाद हम लोगों ने डिराइव किया फर्स्ट लॉ। सर एक डाउट है पिछले पेज पे। हाँ बोलो सर। प्रेशर पे कैसे होता है वो शॉर्ट में बता दो ना। प्रेशर से पोटेंशियल, भाई रियल गैसेस को जब, तो रियल गैसेस का जेड वर्सेस पी ग्राफ याद है ऐसा बनता था। तो अब यहाँ तुम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना, करेक्ट? हाँ सर। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी ना। ओके सर, ठीक है। यस सर। चले आगे। हाँ तो इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ डिराइव किया था। तो फर्स्ट लॉ तो सबको याद होगा, या आई डोंट थिंक उसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। आफ्टर फर्स्ट लॉ हम लोगों ने चार स्टैंडर्ड प्रोसेसेस किए थे। वो चारों प्रोसेसेस के फॉर्मूले याद रखो क्योंकि उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देना। आइसोकोरेट,
सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप बस मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मार्क करके दे सकते हो सर आज रिवीजन में बस। भाई मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट चीजें वही लिख रहा हूँ जितने तुम्हें याद करके जाने। यस सर थैंक यू सो मच। उसको डिटेल में किसी को समझना हो तो नोट से देखो। गॉट इट सर थैंक यू। तो आइसोकोरिक सब में हमें क्या याद रखना है, वर्क हीट और डेल्टा यू, करेक्ट। इन सब के फॉर्मूले हमें फर्स्ट लॉ जितना हमें संडे के टेस्ट में आ रहा है वहां तक के लिए याद रख रहे हैं। अगर तुम अपने रिवीजन के लिए टेबल बना रहे हो ना किया ला, तो चाहो तो बाद में फिर दो चार कॉलम और बना लेना, तो इसमें फिर एंट्रोपी चेंज और वो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। यस सर। अभी मैं केवल इन तीन का बना रहा हूं। तो वर्क जीरो एन सी वी टी एफ माइनस टी आई एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। आइसोकोरिक में परेशान मत होना फॉर रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल, इन तीन वेरिएबल्स में फर्क नहीं पड़ता है। ओके यस सर। यस सर। फिर अगला सेम आइसोबारिक, उसमें भी रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल में फर्क नहीं पड़ता है। वर्क माइनस पी इंटू वी एफ माइनस वी आई और माइनस एन आर इंटू टी एफ माइनस टी आई। प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से देख के फॉर्मूला यूज करना इन दोनों में कि किससे इजीली हो जाएगा। अगर फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर दिया है तो सीधे वही यूज कर देना, समझे। No need of going yes, in. No need to go in NCV वाला, correct? Yes, sir. ठीक है? हाँ सर। और डेल्टा यू अब कुछ आगे डिस्कशन नहीं करना है। डेल्टा यू कुछ भी कहानी हो हमें यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यस सर। डेल्टा यू का फॉर्मूला प्रोसेस टू प्रोसेस बदलेगा नहीं, ठीक है। यस सर। ओके। फिर अगला हम लोगों ने किया आइसो थर्मल। आइसोथर्मल में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्सेस इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क माइनस एन आर टी एल एन Vf by Vi, heat plus nRT ln Vf by Vi, और irreversible isothermal में minus P external Vf minus Vi plus P external Vf minus Vi, okay? ये हो गए फॉर रिवर्सिबल इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। यस सर। फिर एडियाबैटिक
इसमें एक साथ में और चीज याद रखनी है, बाकी सब में इतनी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तुम लोग इजीली रिकॉल कर लोगे। इसमें साथ में दूसरी चीज क्या याद रखनी है, प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन। सर तीन है, तीनों मत याद रखो, तीनों की कोई जरूरत नहीं है। एक तो प्रेशर वाली याद रख लो, ठीक है, और नहीं तो टेम्परेचर वाली। सर एक ही बस होगा ना फिर, आइडियल गैस लगाना। एक ही बस है, तुम बाकी फिर आइडियल गैस से डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर उतना टाइम बचाना है, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन डिराइविंग, तो ये दो याद कर लो, जनरली सब प्रॉब्लम हो जाएंगे इनसे, ठीक है। और इसमें हीट तो होगी जीरो, वर्क एंड CVTF माइनस TI। कई बार एक और इजी फॉर्मूला पड़ जाता, अगर मान लो तुमने PV वाली इक्वेशन निकल लगाई है तो तुम्हारे पास तो प्रेशर और वॉल्यूम है, करेक्ट ना? यस सर। तो सीवी को याद है ना क्या लिख सकते थे, एक ट्रिक, सीवी को वी कैन राइट आर अपॉन गामा माइनस वन। हाँ सर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई होल अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। यस सर। इरिवर्सिबल में भी वर्क और हीट के लिए फॉर्मूले यही है, बट द ओनली डिफरेंस इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज प्रोसेस इक्वेशन इज डिफरेंट। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक से अलग आएगा, क्लियर, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्कशन इन ऑल रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ के स्टैंडर्ड प्रोसेस। सर एक और डाउट था मुझे। बोलो सर। मतलब सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आने वाला है ना, ओके, थर्मोकेमिस्ट्री का नहीं ना? थर्मोकेमिस्ट्री में। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर ये इन सारे प्रोसेसेस का जो भी डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब ध्यान ज्यादा देना चाहिए? डेरिवेशन सबका यही से किया गया है, ओके। और अगर जिन लोगों को याद कम रखना है वो तो कह सकते हैं कि भाई हम स्टैंडर्ड प्रोसेस का भी नहीं याद रखेंगे, हम बस जनरल अप्रोच याद रखेंगे जनरल प्रोसेस की। तो जनरल रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या अप्रोच मैंने बताई थी, वर्क निकालो ऐसे, फिर डेल्टा यू निकालो ऐसे, और फिर क्यू निकालो ऐसे, करेक्ट, ओके। यस सर। ग्राफ्स आएंगे ना? हाँ ग्राफ्स आएंगे, थर्मोकेमिस्ट्री जहां लिखा था उससे पहले जितना कराया था वो सब आएगा, ओके। यस सर। तो ये जनरल रिवर्सिबल, ये जनरल इरिवर्सिबल, तुम्हें ये फॉर्मूले भी नहीं याद रखने, मत रखो, फिर यही से डिराइव करना पड़ेगा उस समय। अब तुम डिपेंड ये करता है, कुछ लोगों को याद जल्दी हो जाता है, जिनको याद जल्दी हो जाता है उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई याद कर लो, करेक्ट। जिन लोगों को याद करने का बिल्कुल मन नहीं है, इतना दिमाग में रखना, यहां से प्रोसेस इक्वेशन उठाना, ये अप्लाई करना, तब भी आंसर आ जाएगा। टाइम ज्यादा लगेगा डिपेंडिंग तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड, अगर फास्ट है तो यू कैन डू दैट आल्सो, ठीक है। आपने आपके वक्त पे क्या किया था? यार मेरे वक्त में तो मैंने
मतलब या स्टैंडर्ड के याद कर लिए थे. ओके यस सर, नेक्स्ट लाइन दिखा दो प्लीज. बट देखो ये भी अब डिपेंड करता है ना. देखो अभी तुम लोग सिर्फ एक चैप्टर कर लो. मेरे टाइम टू बी वेरी फ्रैंक मतलब आई वॉज मच स्ट्रॉन्गर इन ऑर्गेनिक. तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑर्गेनिक था. ओके सर, आप फिर ऑर्गेनिक क्यों नहीं सिखा रहे हो? तो नहीं वो यार देखो, एक सिखाना और खुद सीखना ये दो बहुत अलग चीजें होती है. मुझे ऑर्गेनिक जैसे आती है जितनी अच्छी आती है, मैं शायद तुम्हें उतना स्लोली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे काफी उसकी टफ चीजें भी बिल्कुल इजी इजी लगती है. तो मुझे लगता है सामने वाले को तो समझ ही में आ गया होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सर आप सारे चैप्टर्स के मतलब फॉर्मूले मतलब टेस्ट के लिए कैसे याद रखते थे, या फिर आप रिवीजन का कैसे आपका परफॉर्मेंस? देखो इफ यू हैव प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली दिस इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. थर्मो जैसा इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर, इस पे अगर आपने मोर देन 400 प्रॉब्लम्स लगा लिए, आई एम श्योरली टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस, तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम्हें तब तक खुद सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे. समझ रहे हो? समझ गया सर. यस. प्रॉब्लम्स लगाओ और प्रॉब्लम्स लगाते समय ये सारे फॉर्मूले बड़े से पेपर पे लिख के सामने रखे रहो. प्रॉब्लम आया, पढ़ा प्रॉब्लम, उधर फॉर्मूला देखा, करना शुरू किया. ये करोगे तुम 300-400 प्रॉब्लम में टोटल थर्मो में, उसके बाद तुम्हें एक बार भी ऐसा ना इंटेंशनली बैठ के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ गया सर, थैंक यू. तो ये तो हो गया प्रोसेस और प्रोसेस इक्वेशंस. तो इसके प्रॉब्लम्स का अप्रोच तो बिल्कुल सीधा है भाई कि हमें प्रोसेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है. प्रॉब्लम रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, स्टैंडर्ड है, जनरल है, और उसमें भी मतलब कौन सा है वो एक बार रिकॉग्निशन हो गया उसके बाद वी विल प्रोसीड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द रेलेवेंट इक्वेशंस. And we will get heat, work, या जो भी प्रॉब्लम में पूछा है. एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, ये सब हीट वर्क एटसेट्रा की कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स आएगा. साइक्लिक प्रोसेस या 3-4 प्रोसेस दे दिए, थोड़ा लंबा लग रहा है प्रॉब्लम. ये याद रखना ना कि हर समय सबसे पहले हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल लेने की कोशिश करना. एक बार सब टेम्परेचर आ गया तो काफी कुछ अपने आप कैलकुलेट हो जाता है फिर. ठीक है, तो इनिशियल अप्रोच यही रखना कि मुझे पूरे प्रॉब्लम में हर पॉइंट पे टेम्परेचर पता चल जाए. ठीक है? यस सर. ओके इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, कुछ प्रोसेसेस लेके उस पे. ठीक है सर? हाँ बोलो सर. जेई में नीरज कुमार का काफी रहेगा क्या फर्स्ट लो? नीरज कुमार से नीरज कुमार कर लो, कोई एक बुक कर लो बेटा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है? हाँ सर. ओके Now, yes, Swarangi, do you have to say anything? No, sir. गलती से हो गया. इसके बाद इस सेक्शन में बस एक ही और इंपॉर्टेंट चीज थी, ग्राफ्स और कंपैरिजन. ओके, ग्राफ में पीवी प्रो ग्राफ पे चीजें याद रखनी है. जो हमें पीवी ग्राफ में हमें एक तो इंपॉर्टेंट याद रखना, वो सब मैं लिख दे रहा हूं. ये तो तुम्हें मालूम है आईसो कोरे कैसा बनेगा, आईसो बारे कैसा, आईसो थर्मल ऐसा, एडियाबैटिक ऐसा. करेक्ट?
यस सर। इसमें जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं दैट कैन बी ऑफ एक्सेस कन्वर्जन, जो हम लोगों ने क्लास में थोड़े से प्रैक्टिस भी किए थे। एक्सेस कन्वर्जन में क्या होगा कि तुम्हें किसी और एक्सेस में ये ग्राफ बनाने को बोले, ठीक है। तो इसका अप्रोच कैसे लोगे तुम लोग, कैसे प्रोसीड करना है ऐसी प्रॉब्लम में? तुम प्रोसेस इक्वेशन लिखोगे, करेक्ट? शुड आई राइट द स्टेप और उससे स्लो राइट प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन विल बी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसी भी दो वेरिएबल्स में होगी ना ये इक्वेशन, करेक्ट? यस सर। तो फिर इसको चेंज करोगे, उन वेरिएबल्स को चेंज करोगे, चेंज टू एक्सेस वेरिएबल्स। जिन भी ग्राफ पे तुम्हें, जिस भी एक्सेस पे ग्राफ बनाना है उन वेरिएबल्स में चेंज करोगे यूजिंग जनरली आइडियल गैस का ही आइडियल गैस इक्वेशन। वंस यू चेंज इट टू एक्सेस वेरिएबल देन यू विल चेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, और फिर हर सिचुएशन में कैसा ग्राफ बनता है दैट आई थिंक तुम लोग को याद होगा ही, वो मैंने पूरा लिखाया था, करेक्ट? हाँ सर, यस सर। वो छह केसेस, ओके। तो एक तो इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं एक्सेस कन्वर्जन, उनको ऐसे करना है। फिर इसमें सेकेंड चीज, सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकती है कि इसमें तुमसे वर्क को रिलेट करा सकते हैं, ग्राफ देके वर्क, करेक्ट? एरिया अंडर पीवी कर्व। तो किसी भी पीवी कर्व में रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क उसके नीचे का एरिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सपेंशन है तो ये एरिया, कंप्रेशन है तो फाइनल से ऊपर बनेगा, कुछ मेंशन नहीं है तो फाइनल पे ले लेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ बोलो सर। दूसरा वाला एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा? ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वाला कह रहे हो ना, इरिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर से कम ही होता है, ओके। तो वर्क ये ऐसा एक रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं है, अगर प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं है तो तुम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या ले लोगे? फाइनल प्रेशर ले लोगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर कंप्रेशन प्रोसेस है वो मैक्सिमम वर्क होगा ना, वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा। हाँ सर, हाँ, मॉड मॉड का, क्योंकि ये वर्क्स नेगेटिव है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड करना तो एक्चुअली वैल्यू कम हो रही है, और अगर कंप्रेशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर से ज्यादा ही होगा, तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल बनेगा, एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर आएगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसमें जो मैं बता रहा था एक ट्रिक जो हो सकती है, और साइक्लिक प्रोसेस में भी तुम लोग को सिखाया था ना, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क क्या होता है? एरिया एनक्लोज,
क्लोज बाय साइकिल. अब एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव. इसमें जो ट्रिक तुम्हारे साथ खेली जा सकती है अगर एग्जाम में टफ प्रॉब्लम देना है, वो ऐसे कुछ कर सकते हैं. देखो मान लो एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दिया, ये पी है, ये बी है, ये 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, ठीक है, ये 5 दे दिया, ये 25. अब बताओ इसका वर्क क्या होगा. मान लो ये क्लॉकवाइज साइकिल, अब साइक्लिक प्रोसेस फाइनल साइक्लिक प्रोसेस है, करेक्ट? यस और नो? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क इज एरिया अंडर ग्राफ, करेक्ट? यस. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. हाँ सर. तो पाई आर स्क्वायर क्या लोगे? आर. यहां पे बहुत लोग जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे. ये तो डायामीटर है 10, करेक्ट? यस. रेडियस, कुछ लोग यहां से देखे कि ये डायामीटर है 20, तो रेडियस 10. ये दोनों आंसर गलत है. क्या होगा इसका? एरिया पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर इंटू आर ना. हाँ सर. और एनर्जी के यूनिट्स कौन से होते हैं? एनर्जी के यूनिट्स तो तभी मिलेंगे जब प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स मल्टीप्लाई हो. तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम याद रखना, एक रेडियस लोगे तुम प्रेशर एक्सिस से और एक रेडियस लोगे वॉल्यूम एक्सिस से, करेक्ट? यस सर. अब तुम ये भी कह सकते हो, अरे सर रेडियस अलग अलग कैसे कर दिया आपने एक सर्कल का? अलग अलग नहीं कर दिया भाई, इनके यूनिट्स अलग अलग है. ये कुछ लीटर में है, ये एटीएम में है, यूनिट्स अलग अलग है. तो ग्राफ के एक्सिस के स्केल्स अलग अलग होंगे, ठीक है? यस सर. यस. ये समझ गया ना? इस ट्रैप में फंसना मत. कर लोगे इसको ढंग से ना? सर. यस सर. एक मिनट, आप नोट करने का टाइम दे सकते हो? करो ना सर. एक बार रिपीट कर सकते हैं पॉइंट वापस की 5 to 10 क्यों कर रहे हैं? वर्क के यूनिट्स क्या है? व्हाट आर यूनिट्स ऑफ वर्क? एनर्जी. हाँ सर. और एनर्जी के यूनिट्स तो तभी मिलेंगे जब प्रेशर के और वॉल्यूम के यूनिट्स मल्टीप्लाई हो. हाँ सर. तो तुम्हें यहाँ आर स्क्वायर जो लिखना है, तुमने दोनों रेडियस अगर एक्स एक्सिस से लिख दिए तो तुमने तो वॉल्यूम के यूनिट का स्क्वायर कर दिया ना. हाँ सर. इसलिए नहीं होगा फिर. तो वो वर्क नहीं मिला तुम्हें, गलती हो गई. या दोनों वाई एक्सिस से भी ले लिए तो भी गलत कर दिया. तो एक रेडियस कहां से लेना है? प्रेशर और एक वॉल्यूम. एक वाई एक्सिस से, एक एक्स एक्सिस से. और किसी भी एरिया में ये याद रखना, देख लो तुम एक डायमेंशन वाई एक्सिस से ले रहे हो, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस से, तभी वो बनेगा एनर्जी का यूनिट, ठीक है? क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा, इसमें एक और ट्रिक खेल सकते हैं, उस ट्रैप में भी मत फंसना. ये सब नोट करना, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच यू कैन डू. ये सब अवॉइड कर ली तो दिक्कत नहीं होगी. ये कर दिया मान लो. अब हम लोग जितना पढ़ते आए हैं, हमने क्या क्या किया है बार बार? टी वर्सेस वी. हम लोग वॉल्यूम को एक्स एक्सिस में रखते थे, प्रेशर को वाई पे रखते थे. यहां पे क्या कर दिया? प्रेशर को एक्स पे कर दिया, वॉल्यूम को वाई.
अब इस केस में तुम्हें ये एरिया लेना पड़ेगा, समझ लो ये वाला एरिया, ओके? हाँ सर, यस सर। अब ये वाला एरिया गलत आंसर देगा, ये एरिया मत लेना, ठीक है सर? आप ये रिपीट कर सकते हो भाई? आपका वर्क क्या है? इंटीग्रल पीडीवी है ना, सो ई जिस एक्सिस पे है वहां पे मैं गिरा लाइंस गिरा के एरिया निकालूंगा, ओके? समझ लो? हाँ सर, यस सर। तो जब वी एक्स एक्सिस पे था तो मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट से नीचे वर्टिकल लाइन गिराता था और फिर एरिया इनक्लोज निकालता था, करेक्ट? ठीक है? यस सर, यस सर। समझ में आई ये बात? हाँ सर, हाँ सर। और फिर लास्ट चीज तो कंपैरिजन था ग्राफ्स में, वो सारे कंपैरिजन वाली सिचुएशंस जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या क्या? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का सेम इनिशियल और सेम फाइनल। तो अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं सेम इनिशियल से तो आइसोथर्मल ऊपर, एडियाबैटिक नीचे। अगेन इसको याद करना है, याद करो लॉजिक से, उसी समय निकालना है निकालो। मैं इंपॉर्टेंस में लिख दे रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू रिमेंबर इट और डिराइव इट, ठीक है? यस सर। मैंने तो इसको ऐसे याद करने का अच्छा तरीका है कि अगर मतलब ऐसे बीक नीचे की ओर खुल रही है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, तो आइसोथर्मल ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे, और बीक ऊपर की ओर खुल रही है तो एडियाबैटिक ऊपर होता है, आइसोथर्मल नीचे, करेक्ट? और एक लास्ट कंपैरिजन, वो भी जेई में भी कई बार आया। एक मिनट, कॉपी करने का टाइम दे सकते? ये सब तो तुम लोग के नोट्स तो होगा ना, ये ट्रिक में लिखी थी, मतलब ये लॉजिक लिए लिखा था सर। ठीक है चलो, आप इसके स्लाइड्स भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर, कर दूंगा क्लास के बाद। थैंक यू सर। सर वो जो थर्मोडायनामिक्स यूट्यूब पे प्ले है सर, क्या वो डिलीट मतलब बाद में नहीं करोगे? क्योंकि वो कभी कभी अगर फ्यूचर में कभी नोट्स वक्त है और डाउट्स है तो उससे चाहिए रह सकती है, इसलिए। ठीक है, चाहिए तो मुझे मैसेज करना, तुम्हें मैं शेयर कर दूंगा प्राइवेटली। व्हाई यू वांट टू गेट कीप इट शेयर्ड फॉर एवरीबॉडी? उससे क्या हो रहा है ना, जो पीछे के बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें लोग लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे, कह रहे सर वहीं से यूट्यूब से प्ले लिस्ट देख लेंगे, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हो रहे हैं ना, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। हो गया ये, चले आगे? Yes sir, done. Yes sir. और एक लास्ट कंपैरिजन विच आई वाज से ऑलवेज जो इम्पोर्टेंट है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला जो लास्ट चीज कराई थी, याद है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक्सपेंशन है रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इससे नीचे होगा, करेक्ट? यस सर, यस सर। इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है? यस सर। और यही फाइनल पॉइंट किसका और होगा? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का भी यही होगा और फ्री एक्सपेंशन का भी यही होगा, करेक्ट? यस यस। कंप्रेशन में
कंप्रेशन में इसका ठीक उल्टा। तो कंप्रेशन में क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, करेक्ट, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दोनों से ऊपर, और यही इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का। ओके यस सर, यस सर। इतनी बातें दिमाग से मत हटाना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक कि फुल मार्क्स क्यों नहीं आ सकते। ये गलतियां नहीं की तो आराम से पूरा पेपर करेक्टली कर ले जाओगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, कोई फॉर्मूला नहीं भूले, सीपीसीवी वैल्यू याद कर लेना सारी, वो एक टेबल बनाया था। यस सर, यस सर। वो वैल्यूज कैसे याद करें सर, मतलब डायरेक्टली उसमें तो बट ट्रिक है, यस सीवी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चार ही तो याद कर दी है, मोनो एटॉमिक की 3, डाई एटॉमिक की 5, डाई एटॉमिक हाई टेम्परेचर पे 7, और पॉली एटॉमिक की 6, खत्म। सर हाई टेम्परेचर कैसे डिसाइड करें, वो प्रॉब्लम लिखेगा या 1000 केल्विन के ऊपर हाई बोले, ठीक है सर, आप पिछले स्लाइड पे जा सकते हो। 1000 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर को यू कैन से हाई टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। हो गया, हाँ सर, डन, ठीक है। चलो फिर यार अब ये डाउट्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं ग्रुप पे डाल देता हूं ताकि प्रॉब्लम नंबर हम लोग को याद रहेंगे, नेक्स्ट डाउट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, कल का पूरा मॉड्यूल आपको एक मिनट लास्ट पेज दिखा सकते हो, सारे डाल ही रहा हूँ बेटा ग्रुप पे, ये लोग ग्रुप पे देख लो सर। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, everybody.